Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. I'm Sukriti and this is my channel Trendster Bay. तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक अनदर रिव्यू वीडियो जिसमें मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये लिबॉन का हेयर सीरम. मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं अपना खुद का ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी. तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो ये है 100 ml की पैकेजिंग जो कि आपको मिल जाएगी 250 rupees में. इसके और भी साइजेस अवेलेबल हैं, 20 ml, 50 ml, वो आपको 20 ml आपको मिल जाएगा 60 rupees में एंड 50 ml आपको मिल जाएगा 120 rupees में. ये इस तरह के एक स्टर्डी पैकेजिंग में आता है एंड इसकी जो कैप है ये इस तरह की लाइक, तो ये बहुत सॉलिड पैकेजिंग है. ये बहुत ट्रैवल फ्रेंडली, आप इसको कहीं भी अपने साथ लेके जा सकते हैं एंड ये लीक भी नहीं होगा. लाइक You can see this. So, ये क्लेम करता है कि ये आपके हेयर से ड्राइनेस एंड फ्रिजीनेस को रिमूव करता है और आपके हेयर्स को 24 आवर्स तक इंटेंसली स्मूथ बनाता है. सो इट्स ट्रू गाइज, ये आपके हेयर्स में 2-3 days तक एटलीस्ट स्मूथनेस बनाए रखता है. सो इसमें विटामिन ई है जो कि मैंने हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. इसके आपको 2 variants मिल जाएंगे. ये है पर्पल वाला जो कि है ड्राई एंड अनरली हेयर्स के लिए एंड आपको इसमें एक पिंक पैकेजिंग मिल जाएगी. मैं आपको साइड में एक पिक्चर दे दूंगी इसकी. सो ये जो दोनों वेरियंट हैं ये डिफरेंट हेयर टाइप्स के लिए हैं. ये पैकेजिंग है जिनके बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर्स एंड अनरली हेयर्स हैं, जिनके बहुत कर्ली फ्रिजी हेयर्स हैं, ये वो यूज़ कर सकते हैं. देख सकते हो कि मैंने इसे कितना यूज़ कर लिया है. अब मैं आपको एक बार इसे यूज़ करके बताती हूँ. इतना सा आपको सिर्फ अमाउंट लेना होता है एंड आपको इसको अपने हेयर लेंथ से अप्लाई करना है, नॉट फ्रॉम द रूट्स, क्योंकि आप कोई भी सीरम है उसको ऑलवेज अपने हेयर लेंथ से ही अप्लाई करें. रूट्स में तो बिल्कुल आपको अप्लाई नहीं करना है. एंड जब आप हेयर वॉश करते हो आपको इसको गीले बालों में अप्लाई करना है जिससे कि ये आपके हेयर्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. एंड लास्ट में आपको इसको इस तरह से अप्लाई करना है, लाइक दिस. सो गाइज, जब भी आप हेयर वॉश करते हो आपको उसके बाद सीरम ज़रूर अप्लाई करने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं. ये हमारे हेयर्स के टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं, उनको स्मूथ बनाते हैं, सिल्की बनाते हैं एंड शाइनी भी बनाते हैं. एंड जिनके हेयर्स बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, तो वो ये सीरम्स यूज़ कर सकते हैं. एंड इनको यूज़ करने के कुछ टाइम बाद आप अपने हेयर्स में बहुत अच्छे चेंजेस देख सकते हो. एंड जब भी आप अपने हेयर्स में किसी तरह की स्टाइलिंग कर रहे हैं लाइक स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग योर हेयर्स, तो सबसे पहले आप सीरम अप्लाई करें क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके जो हेयर हैं वो ज़्यादा डैमेज नहीं होते हैं हीट लगने से एंड आपके हेयर्स प्रोटेक्टेड रहते हैं. मैंने और भी सीरम्स यूज़ किए हैं. अगर मैं बात करूँ स्ट्रिक्स के सीरम की, तो जब उसको अप्लाई करने के बाद वो एक ऑयली सा टेक्सचर छोड़ जाता है आपके हेयर्स में. स्मूथ तो ज़रूर करता है लेकिन एक ऑयली टेक्सचर छोड़ जाता है. लेकिन इस सीरम को अप्लाई करने के बाद ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके हेयर्स में बहुत अच्छे से मर्ज हो जाता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड आपके हेयर से ड्राइनेस फ्रिज को रिमूव करके आपके हेयर्स को स्मूथ बनाता है. तो जो टेक्सचर है वो भी काफ़ी अच्छा है एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. एंड जो लोग अपने हेयर्स में ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करते हैं तो वो इस सीरम को एज एवरीडे बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा होगा. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मिलते हैं आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. सो बाय.